ये पूरा सैंड है तो इसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। बाइक स्किड होने के बहुत सारे चांसेस है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे कुछ रिवर क्रॉसिंग टाइप हमें लग रहा है, तो काफ़ी डीप है। और वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम नुब्रा वैली। और ऐसे कुछ टेंट्स है यहाँ पर और उसमें हम रहे थे, आप देख सकते चारों तरफ। और यहाँ पर है हमारा डाइनिंग एरिया, तो वहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ अभी। तो ऐसे कुछ यहाँ पर डाइनिंग एरिया है। आज चतुर्थी होने की वजह से मैं वेज खा रहा हूँ, उसके साथ फ्राइज और मिल्क विद टर्मरिक पाउडर। तो यहाँ पर सब बैठे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इसके बाद हम लोग निकलेंगे पैंगोंग लेक के लिए, जो है ऑलमोस्ट अराउंड 250 किलोमीटर्स। और उसे जाने के लिए हमें लगने वाले 7 to 8 hours। क्लाइमेट तो आप देख सकते हैं बहुत ही सनी हो गया है बाहर। अभी बजे है सुबह के 10 और देख सकते हैं आप सारे लोग चले गए। तो वो लोग बीच में मॉनेस्ट्री के लिए रुके, पर हम लोग मॉनेस्ट्री के लिए नहीं रुक रहे, हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं पैंगोंग लेक। तो बीच में थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह कर लेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम सब निकल गए, और सबसे पहले तो हम फ्यूल भरेंगे। इतने खूबसूरत माउंटेन है और सिर्फ पीक पे ही स्नो गिरा है, और हम वहाँ से ही आए थे। खारदुंगला जो है टॉप वो वहीं पर है ऊपर। और कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो बहुत ऑसम है वो वीडियो, तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आ जाएगा, तो आप वो टैप करके देख लेना वीडियो, बहुत ऑसम है वो वीडियो क्योंकि उसमें स्नोफॉल एंड ऑल सब कुछ है। हमें बारिश भी मिली, स्नोफॉल भी मिला, फॉग भी मिला, तो बहुत सही क्लाइमेट मिला हमें। ऑलमोस्ट हम लोग -2 degrees में थे ऊपर वहाँ पर। तो वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखना। और क्या व्यू है यार, कितना भी देखा तो भी मन नहीं भरता यार ये व्यू को। और ये इतना मैसिव है ना गाइज, आपको क्या बताऊँ मैं। आपको ऐसे वो मोबाइल में या टीवी में छोटा दिखता होगा, पर यहाँ पर लाइव में देखना इतना मैसिव दिख रहा है ये। अरे अरे हो राइडर हो। यहाँ पर आप लेफ्ट में देख सकते हैं ले 125, पर हम ले से आए तो हमें जाना है पैंगोंग लेक। तो पैंगोंग लेक राइट होगा, तो हम अभी फ्यूल भरने को जा रहे हैं। तो गाइज आप ये सामने का पूरा व्यू देख सकते हो, ये पूरा सैंड है तो इसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। यहाँ पर आप डर्ट बाइक एंड ऑल से ये कर सकते हो, जंप एंड ऑल। तो क्या ऑसम दिख रहा है ये, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वैसे पूरा सैंड। तो ले में हमने फुल किया था और अभी हम पहुँचे नुब्रा वैली। डालो डालो ना तुम। हाँ डालो थोड़ा और, डालो। रुको जरा, सबर करो। बस कितना हो गया, राउंड फिगर करो, 480 करो। हाँ ठीक, तो 480 का भर दिया है, 4.42 liter। पेट्रोल हमने फुल कर दिया है क्योंकि अभी फिर से पेट्रोल पंप नहीं है। आई होप हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे पैंगोंग लेक, मतलब जल्दी मतलब टाइम के अंदर, क्योंकि अभी बजे है 11 और हमें 6 घंटे लगेंगे, 6-7 घंटे पकड़ा तो भी फिर 4-5 बज जाएंगे। तो फिर सनसेट होने के बाद अगर पहुँचे हम तो फोटो अच्छे से नहीं आएंगे, सो विल ट्राई आर बेस्ट। रात को इतना कुछ शूट करने नहीं आया ये रोड पे, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही पूरा जिगजैग रोड है पूरा वहाँ तक, और वहाँ से ऐसे कुछ व्यू है। और जो ऊपर आपको पीक पर बर्फ़ दिख रहा है तो वो पूरा वाइट है, और ऊपर क्लाउड्स भी वाइट है, तो आपको पता नहीं गोप्रो कितना जस्टिस कर रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रक ख़राब हुई थी इसलिए हमको थोड़ी सी ट्रैफिक मिले यहाँ पर, और इसे ओवरटेक करते हैं अभी। पूरा ग्रुप है हमारा, बैकअप व्हीकल सब आगे ही है। अरे क्या धुआं छोड़ रही है। पूरा जितना भी ये सब सैंड है और उसके बीच में से ये रोड जाता है, तो आप देख सकते हैं ये डर्ट बाइक जैसी, वो जो 4-wheeler रहती है डर्ट बाइक जैसी, वो है यहाँ पर। तो हमें टाइम नहीं है, नहीं तो हमने वो भी किया रहता। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब बाइक्स लगाई है उन्होंने, ये देखो ये सब बाइक्स लगाई यहाँ पर उन्होंने, और वो लोग कर रहे हैं उधर। तो मुझे आगे भी देखना है और वो सर आपको भी दिखाना है, तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है वैसे। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में वही है सैंड, और उसके बीच में से ये रोड बनाया है उन्होंने ऐसे। हम लोग पूरा चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन है और उसके बीच में से हम लोग चला रहे हैं। रात को इतना दिखाने नहीं आया मुझे क्योंकि हम नुब्रा वैली जा रहे थे और थोड़ा सा लेट हुआ हमें खारदुंगला पास एंड ऑल करते हुए, और थोड़ा सा एक एक्सीडेंट भी हुआ था कल।
तो लेट हुआ हमें। और आज हम जा रहे हैं पैंगोंग गाइस, मैं बार बार वही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो अभी बजे है 12, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सैंड है, तो बाइक स्किड होने के बहुत सारे चांसेस है यहाँ पर। वन टू थ्री, तो अभी देखा आपने गाड़ी गिर गई थी मेरे से और पूरा सैंड है यहाँ पर, पूरा टायर गया धस रहा था। रुकते हैं सबके लिए, मैं ही आगे गया था, थोड़ा सा डर लगा था मुझे। यहाँ पर थोड़ा स्लो लेना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा फास्ट ले लिया, देख सकते थोड़ा सा डर रहे लोग। यहाँ पर ऐसे कुछ रिवर क्रॉसिंग टाइप हमें लग रहा है, तो काफ़ी डीप है। अभी तक 4-5 हो गए और ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है आगे का, तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे सामने वाला जो है ये, तो आई होप गिर नहीं सक। हाँ, तो थोड़ा सा डीप था, 5-6 रिवर क्रॉसिंग करने का, रिवर क्रॉसिंग मतलब बड़े बड़े खड्डे थे और उसमें से पानी फ्लो हो रहा था, तो वो क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसे रोड लगाए हमें, प्लेन और स्ट्रेट एकदम, और दोनों साइड आप देख सकते हैं पूरा ऐसे पेबल्स है। तो अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है और यहाँ पर ऐसे कुछ हमने ब्रेक लिया है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप सुन सकते हैं फ्लो और यहाँ से आप देखो पानी का कलर आपको अलग दिखता होगा, थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता होगा और ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है यहाँ से, और ऐसे ब्रिज है और ऊपर अपने रॉकी माउंटेंस, वाओ क्या मस्त है। और काफ़ी विंड चल रहा है, आप देख सकते हैं पेड़ वगैरह ऊपर से काफ़ी हिल रहे हैं। तो अभी हम लोग ये ब्रिज पे और इनका फोटोशूट चल रहा है यहाँ पर, और पीछे फ्लैग्स वगैरह है, और मैं इसका अभी स्लो मोशन भी डालूंगा। और ये फ्लो देख सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, ये साइड अंदर जाना है और वहाँ से पैंगोंग आएगा स्ट्रेट। तो पैंगोंग ऑलमोस्ट अराउंड 2 घंटे लगेगी हमको पहुँचने को, और अभी हम लोग ने एक कॉफ़ी का ब्रेक लिया है और इसके बाद में फिर आप जो लंच होगा वो हम डायरेक्टली पैंगोंग में ही करेंगे। तो काफ़ी मस्त मौसम हुआ है, आप ये व्यू देख सकते हो जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ अभी। तो पानी का फ्लो वगैरह और पानी का कलर भी आपको मैंने कहा था इससे पहले। In a different world.